हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। मेरा नाम पूजा राय है। सो मैं सिलाई सिखा रही हूँ। सो सिलाई सिखाने के लिए कैंची, इंच टेप, पेन एंड धागे, तो ये सारी आम बात चीज़ें हैं जो कि घर में आसानी से मिल जाती हैं। सो न्यूज़पेपर का आपको 2 पेज लेना है, बड़ा वाला। ओके, 2 पेज लेने के बाद फिर आप इसे धोती बना, जैसे कि आपने थंबनेल देखकर तो जान ही लिया होगा कि ये धोती बननी है। सो धोती बनाने के लिए आपको इस तरीके से फोल्डिंग करनी है कपड़े या पेपर जो भी आपके, जैसे कि आपकी लंबाई यही साइज, ये जो आपका जहाँ पे निशान लगेगा वही आपकी पूरी लंबाई है। ये चीज़ कमर की है एंड ये आपकी लंबाई है। ये देखिए आपको ये गहराई कट रही है, जैसे कि इसमें मियानी नहीं लगता है, सो उसमें गहराई कटती है 2 इंचेस की, 2 इंचेस लंबी एंड 5 इंच की लंबाई, 2 इंच की चौड़ाई। सो देखिए इस तरीके से लगाने के बाद फिर आप उसमें डीप करें, उसे डीप का शेप लगा रही ऐसे करके। ऐसे करने के बाद फिर आपको दिखाना है कि कट कैसे आपको करना है। सो आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें, एक्स्ट्रा पेजेस को। देखिए यहाँ से आपके एक्स्ट्रा पेज है, ये आपको कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद फिर आपको ये कट जो कि हमने निशान लगाया ये हमें कट करना है। जिस तरह आपका निशान लगा है यही आपकी लंबाई है। देखिए ये इस तरीके से आपकी धोती की कटिंग हो गई। सो आपको बेल्ट चाहिए। बेल्ट हमने 8 इंच की बनाई हुई है, जैसे कि आप लंबाई चाहो। अगर आप लंबे हो, अगर आप चाहते हो कि धोती थोड़ी सी नीचे रहे तो आप 10 भी कर सकते हो, जैसे कि वो पहनने के ऊपर रहेगा कि आपको कैसी पसंद है। सो देखिए इस तरीके से आप, मैंने फोल्ड करके निशान लगाना सिंपली लगा मुझे, क्योंकि पेपर न्यूज़पेपर बड़ा है। सो ऐसे में निशान लगाने में भी आसानी होगी, सो कटिंग में भी आसानी होगी। सो इसी तरीके से निशान लगा लीजिए एंड देन कटिंग। देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करनी है, सिर्फ इसी पे आपको कटिंग करनी है। देखिए ये आपकी बेल्टिंग एरिया है, ये देखिए ये आपकी पूरी बेल्ट, ये आपकी धोती की। देखिए ये आपका पैर का है एंड ये वाला आपका डीप है और ये ऊपर का आपका कमर है। ओके, सो आपको ये चीज़ जो हमने डीप काटा वो हमें सिल लेना है, चारों नहीं, हमें 2 ही पार्ट सिलना है। आपको हम दिखा देंगे कि ये कैसे सिलना है आपको। देखिए इस तरीके से आपको स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद फिर इसकी अगली प्रोसेस होगी, आपको दिखाते हैं हम। देखिए एक साइड का हमने नहीं सिलना है, एक साइड से हमें पूरे, देखिए ये हमने बीच का ही सिला हुआ है। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत अच्छा आप बता रही हो, और अच्छे से बताइए। सो उसके लिए देखिए इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ये हमारा बेल्टिंग एरिया है, ये हमारा बीच का है। ओके, जो ये हमारा आगे का हो गया है, ये हमारा बीच का है, पीछे का नहीं है। जो साइड में हमारा चुन्नट बैठता है ये उसके लिए है। सो आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। स्टिचिंग स्टार्ट करने के बाद फिर आपको देखना है कि फोल्डिंग आप कैसे कर रहे हो। सो चुन्नट बनाने के लिए आप उसे अंदर की तरफ चुन्नट करें। देखिए इस तरीके से ये हमारा अंदर की तरफ चुन्नट जा रहा है ताकि वो खूबसूरत लगे। देखिए धोती में आप अंदर की तरफ ही चुन्नट करें, जिस तरफ से आपको चाहिए। देखिए इसी तरीके से आपको पूरा चुन्नट यहाँ से बना लेना है। ये कटिंग तक यहाँ तक आना ही चाहिए, कटिंग के बाद ही आपको दूसरा प्रोसेस करना है। देखिए ये कटिंग के बाद फिर आपको, मैंने कहा कि वो अंदर की तरफ ही ये चुन्नट आना चाहिए। सो देन कटिंग के बाद फिर आपकी ये चुन्नट की बदल जाएगी इस तरीके से। अब ये सारी अंदर के साइड से आपको चुन्नट करनी है। सो चुन्नट फाइनल होने के बाद फिर आपको ये वाला स्टेप पूरा हो गया है। सो आपको कमर का सिलना है। देखिए यही हमने कहा था कि हमें 2 ही सिलना है, 2 हमें अप सिलना है, जबकि आपकी पूरी कमर की एंडिंग हो। एंड देखिए इस तरीके से आपको सिलना है। इस तरीके से पूरा होने के बाद फिर आप उसको कमर का सिल लें। आपको लास्टिक डालना है या लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, या अदरवाइज़ अगर आप डोरी बनाना चाहते हो तो डोरी भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी चॉइस है कि आप लास्टिक ही लगाओ। लास्टिक लगाने से ये होता है कि वो अच्छे से बैठता है। देखिए इस तरीके से आपको पूरी लास्टिक एरिया बना लेनी है। लास्टिक एरिया बनाने के बाद फिर हमें बीच का सिलना है। सो ये पेपर बहुत मुझे दिक्कत कर रहा है, सो मैं इसे दबा के फोल्ड कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि इसमें सिकुड़ा ना जाए और मेरा काम आसानी से हो।
देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको 5 इंच नीचे का छोड़ करके, जैसे कि ये पेपर है तो मैंने 5 इंच छोड़ा हुआ है, अगर आपका जैसे एड़ी हो, एड़ी नाप करके आप उसको बनाएं, जैसे कि 11 होता है, 13 होता है, तो वो हिसाब से आप बना सकते हो। एन ऐसे ही आपकी स्टिचिंग पूरी होती है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बाय बाय।